सकारात्मक भाव स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है, मन भी अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। पर क्यों आता है? जब तक आवेश में रहेंगे, क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश। सब जानते हैं कि आज सत्ता पर है, कल नहीं रहे तो क्या होगा? आज प्रशासन के अधिकारी है, कल सेवानिवृत्त है तो क्या होगा? आज तो है, इतने धनी है, कल मौत आ गई तो क्या होगा? सब जानते हैं, फिर भी पता नहीं अहंकार का आवेश इतना भयंकर होता है। क्रोध का, अहंकार का, लोभ का आवेश, ये सारे आवेश जब प्रबल हैं तो फिर नेगेटिव एटीट्यूड होगा, फिर नकारात्मक वृत्तियां पनपेगी। अगर हम इनसे मुक्ति पाना चाहें तो हमें आवेश को उपशांत करने की शिक्षा लेनी है। शिक्षा भी कोई शाब्दिक नहीं होगी, प्रयोगात्मक शिक्षा। हमारा दृढ़ विश्वास है स्वभाव बदल सकता है, आदतें बदली जा सकती है, नई आदतों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ट्रांसप्लांटेशन का युग है, नई आदतों का भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है और पुरानी आदतों में कांट छांट की जा सकती है। इसलिए हमें धर्म को भी नए परिप्रेक्ष्य में और प्रयोगात्मक पद्धति के रूप में समझना है तो सचमुच परिवर्तन हो सकता है। तो मेरा विश्वास है कि धर्म में आज भी बहुत करने की क्षमता है और धर्म के प्रयोग आज भी हमारा बहुत भला कर सकते हैं। ओम आर्था।